हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। एंड आज हम करने वाले हैं लेटर टू एडिटर। और लेटर टू एडिटर यूजुअली क्लास में जो आता है एग्ज़ाम के टाइम पे, वो 8 मार्क्स का आता है। आपके 8 मार्क्स की जो बायफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है: 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट, 4 मार्क्स फॉर कंटेंट, 3 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, स्पेलिंग है, ग्रामेटिकल एरर्स हैं, आपका प्रेजेंटेशन वे है, आप किस तरह से अपने एक्सप्रेशन, आइडियाज़ और व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये है आपका बायफिकेशन। यानी फॉर्मेट क्या हो गया आपका, जैसे ये फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस हो गया, फिर डेट हो गई, फिर रिसीवर्स एड्रेस हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट और हेडिंग आता है जो कि है। जिस भी कंटेंट पर, जब भी लेटर टू एडिटर लिखते हैं हम, तो वो सोशल टॉपिक यानी सोसाइटी की लोकेलिटी प्रॉब्लम्स के ऊपर ही होता है। मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको शॉर्टेस्ट वीडियो बना के दूँ और आपके एग्ज़ाम टाइम प्रॉब्लम को इन अ स्मॉलेस्ट वे कवर कर सकूँ। इसके बाद हम बॉडी और टेक्स्ट देंगे, फिर उसके बाद हम थैंकिंग नोट देंगे, ठीक है। देन उसके बाद अब हम एक फॉर्मेट जो मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है, हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी लेटर की बॉडी को फॉर्म करना होता है, क्योंकि बॉडी के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, यहाँ पे आपने नोट किया होगा कंटेंट के 4 मार्क्स हैं, तो ये जो बॉडी के मार्क मैंने पॉइंट्स हैं, इसको 3 पैराग्राफ्स में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ प्रेफर्ड लाइन्स दी हैं जिसको आप यूज़ करके अपना एक बेटर पैराग्राफ फॉर्म कर सकते हो। जैसे हमें जब भी लेटर स्टार्ट करना है तो हमें लिखना है, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द सिचुएशन ऑफ पोल्यूशन, द सिचुएशन ऑफ यू नो क्लाउडी वाटर इन अ लोकेलिटी, और मे बी द केसेस ऑफ थेफ्ट राइजेस इन द सोसाइटी। तो इस तरह के जो भी इश्यूज हैं आपके, वो आप इसमें आगे मेंशन कर सकते हो। या फिर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन ऑन दी सेम। आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपके न्यूज़पेपर कॉलम के थ्रू मैं लोगों का या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनका ध्यान इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप इस प्रॉब्लम उनका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो ये सब लाइन और इंट्रोडक्शन आप बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में देते हो, जो 3 से 4 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो पैराग्राफ की वर्ड लिमिट है वो 100 to 50 words है, ठीक है। 100 and 150 words के बीच में आपको पैराग्राफ लिखना है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा लिखता है तो इस वर्ड लिमिट को वो 140 कंसिडर करके चलेगा, तो वो 150 में ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा। तो प्लीज़ वर्ड लिमिट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो मार्किंग रिड्यूस होती है वो वर्ड लिमिट के लिए होती है। मैं खुद प्रेसिडियम ग्रुप्स में काम करती हूँ और इस चीज़ के लिए आपको बहुत क्लियरली बता सकती हूँ कि ये जो चीज़ है, इसके लिए हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बहुतों बार जो है बच्चों के मार्क्स रिड्यूस किए हैं। देन सेकेंड पैराग्राफ आता है, द रेसिडेंट फेसेस मैनी प्रॉब्लम, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज आपके दिमाग में आ रहे हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, वो आप इसमें लिखेंगे। वेरियस कंप्लेंट्स फॉर द सेम हैव बीन फाइल्ड, इस तरह की पहले भी कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं, इसका मेन रीज़न ये है, द मोस्ट अनोइंग इंपॉर्टेंट थिंग इसकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, या फिर मीडिया इसके ऊपर अपना जो अटेंशन है वो नहीं दे रही है, और मुझे लगता है कि आपका न्यूज़पेपर इसको कर पाएगा। इस तरह से आप सेकेंड पैराग्राफ फॉर्म करेंगे, जिसमें फैक्ट्स की बात होगी, आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो ये है, ये प्रॉब्लम है, जो सिचुएशंस हैं वो सब आपको इसमें डालने हैं। थर्ड पैराग्राफ पे आ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू, आई होप दिस विल बी ब्रॉट टू यू इन टू द लाइट, और इस इशू को मैं आपके न्यूज़पेपर के थ्रू हाईलाइट कर सकता हूँ, लाइमलाइट में लेकर आ सकता हूँ। इस तरह के अच्छे वर्ड्स का यूज़ करके थर्ड पैराग्राफ को फॉर्म करेंगे और अपना कंक्लूजन देंगे कि मैं चाहता हूँ कि आप इस जो भी मेरा आर्टिकल है, ये जो लेटर है, इसको अपने न्यूज़पेपर में स्पेस दें, ताकि ये जो भी काइंड अथॉरिटीज़ तक पहुँच सके और वो इस पर एक नेसेसरी एक्शन ले सकें। फिर उसके बाद जब भी हम एग्ज़ाम में एंडिंग करते हैं तो हम लिखते हैं योर्स फेथफुली, क्या हम किसी डॉग की बात कर रहे हैं जो वो फेथफुल है, तो वी शुड ऑलवेज राइट योर्स ट्रूली और योर्स सिंसेयरली, ठीक है। तो इस तरह से एंडिंग करेंगे तो यू विल गोना गेट द फुल मार्क्स इन लेटर टू एडिटर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे, और कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।